इंटरप्शन न्यूज एंड न्यूज ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आपको बताया चले कि 25 तारीख को जहां पूरे भारत में रामनवमी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाई गई, वही मोरावा में यह उत्सव बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। इस उत्सव में जहां इस उत्सव में भगवा के झंडे और पूरी तरह जय श्री राम के नारे लगे, तो वही क्षेत्रीय अतिथियों का भी आगमन इस कार्यक्रम में हुआ। देखिए हमारे ये 25 मार्च रामनवमी के अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति हनुमान मंदिर से झांकियां निकालकर जुलूस निकाला गया, जिसमें भारी पुलिस बल के साथ पूरे कस्बे का भ्रमण राम भक्तों ने किया। विवरण के अनुसार ये रामनवमी का त्यौहार प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसके संयोजक राधेश्याम साहू होते हैं। उनकी अगुवाई में हजारों राम भक्त बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और पूरा कस्बा भगवामय हो जाता है। जुलूस चंदन गंज बाजार हनुमान मंदिर से गल्ला मंडी बस स्टॉप नगर मोहल्ला बेनीगंज और चौधराइन टोला बरगद टोला होते हुए पुरानी बाजार पटकिन टोला सोनार टोला आदि कस्बे का भ्रमण करते हुए फिर वहीं हनुमान मंदिर में पहुँच कर समापन किया जाता है। आपको पता चले कि यह पूरी घटना और एक पूरा उत्सव मोरावा का है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जुलूस पर लगभग 3 दर्जन मनमोहक झांकियां डीजे बजाने के साथ साथ जय श्री राम के गगनभेदी नारों से पूरा कस्बा गूंज रहा था। यह उत्सव बड़े ही आस्था के साथ मनाया जाता है। वहीं इस जुलूस का स्वागत पूर्व विधायक अनिल सिंह व पूर्व भाजपा के प्रत्याशी राकेश लोधी, जिनको उत्तम भी कहा जाता है, पूर्व चेयरमैन नवनीत शुक्ला आदि ने किया, जबकि स्थानीय व्यवस्था को देखते हुए सुनील मिश्रा पत्रकार, सोनू पाठक, आशु शुक्ला, संतोष शुक्ला, पप्पू, मदन चौरसिया, नंगू सिंह, धीरू सिंह, अनूप चौरसिया, ओमू त्रिपाठी, उत्तम सोनी, गोल्डी अवस्थी, प्रिंसु पाठक, रेशु मिश्रा, नीरज सोनी, बुद्धि बद्धि विशाल वाजपेयी आदि लोग देख रहे कर रहे थे व्यवस्था। वहीं की कमान थाना प्रभारी अमित कुमार तोमर ने भी बखूबी अपने बल और फल के साथ। ये रिपोर्ट एंटी करप्शन न्यूज़ एंड